अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता जिस नैतिकता और ईमानदारी की लगातार दुहाई दे रहे थे, आज उसका सच उन्हीं की पार्टी के मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे के साथ दिल्ली की जनता के सामने स्पष्ट तौर पर रख दिया है। शीर्ष मैनेजमेंट जिस प्रकार से सवाल उठाए जा रहे थे, आज वो भी सच साबित हो गए हैं। और जिस प्रकार से घोटाले किए जा रहे थे, केंद्र सरकार के साथ लड़ाई झगड़ा किया जा रहा था, कैलाश गहलोत ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि इससे दिल्ली की जनता का लाभ होने वाला नहीं है। पिछले एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने ला रहे थे, और अब जब कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है, इस्तीफे की वजह बताई है, तो उससे स्पष्ट है कि दिल्ली की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने बड़ा धोखा किया है। अब इस धोखे की सजा दिल्ली की जनता आने वाले विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल को देने वाली है। अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि 10 सालों में दिल्ली की बुनियादी समस्याओं पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक भी कदम नहीं उठाया, जिससे आज दिल्ली का हाल बेहाल हो गया है और दिल्ली के लोग नारकीय जीवन जीने पर मजबूर हो गए हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता जिस नैतिकता और ईमानदारी की लगातार दुहाई दे रहे थे, आज उसका सच उन्हीं की पार्टी के मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे के साथ दिल्ली की जनता के सामने स्पष्ट तौर पर रख दिया है। शीर्ष मैनेजमेंट जिस प्रकार से सवाल उठाए जा रहे थे, आज वो भी सच साबित हो गए हैं। और जिस प्रकार से घोटाले किए जा रहे थे, केंद्र सरकार के साथ लड़ाई झगड़ा किया जा रहा था, कैलाश गहलोत ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि इससे दिल्ली की जनता का लाभ होने वाला नहीं है। पिछले एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने ला रहे थे, और अब जब कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है, इस्तीफे की वजह बताई है, तो उससे स्पष्ट है कि दिल्ली की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने बड़ा धोखा किया है। अब इस धोखे की सजा दिल्ली की जनता आने वाले विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल को देने वाली है। अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि 10 सालों में दिल्ली की बुनियादी समस्याओं पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक भी कदम नहीं उठाया, जिससे आज दिल्ली का हाल बेहाल हो गया है और दिल्ली के लोग नारकीय जीवन जीने पर मजबूर हो गए हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की।